नमस्ते, मैं सुगंधा। आज हम बनाएंगे गोल्डन मिल्क, जिसे हम हल्दी वाले दूध भी कहते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दूध, या आप इसे ठंडी की मौसम की भी दूध कह सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं आधा लीटर दूध ली हूँ। तो सबसे पहले हम दूध को बॉयल होने के लिए बैठा देंगे। तो यहाँ पर मैं दूध को बॉयल होने के लिए बैठा दी हूँ। और एक मिक्सी के जार में यहाँ पे हम ये दालचीनी का एक टुकड़ा लेंगे, और यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च है, इसे भी डाल देंगे। और ये है आलमंड्स, यानी कि बादाम। तो यहाँ पे मैं 10 से 12 बादाम को ली हूँ। इसे मैं 2 घंटे पानी में भिगो कर रख दी थी और ये फूल गया, इसके छिलके को निकाल लें। और यहाँ पर मैं ली हूँ 4 पीस ये खजूर, इसके बीज को हम इस तरह निकाल लेंगे। आप चाहें तो खजूर के जगह ड्राई फ्रूट्स, छुहाड़े जो आते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। उसके बीज को इस तरह निकाल लें। इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो देखिए, इसके बीज बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। तो सारे बीज को हम निकाल लेंगे। और इसमें आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच दूध डाल के इसे पेस्ट बना लें, या ऐसे भी पीस लें। और ये है कच्ची हल्दी, जिसे हम अच्छी तरह से छील कर धो लिए हैं। इसे हम ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, हमारा दूध जो है बॉयल हो गया है। हम इस दूध में ही ये ग्रेटर की सहायता से हल्दी को ग्रेट कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है। और ये जो कच्ची हल्दी है, मार्केट में बहुत इजीली मिलता है। ठंडी के मौसम में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप पाउडर हल्दी के जगह आप कच्ची हल्दी यूज़ करें, बहुत ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर देखिए, हम सारे हल्दी को ग्रेट कर लिए हैं। और इस हल्दी को 2 मिनट हम पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा हल्दी का कच्चापन है निकल जाएगा। तो 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा, देखिए, दूध का कलर बहुत अच्छा आया है और दूध भी हमारा बॉयल हो गया है। तो ये जो हम पेस्ट बनाए थे, इसमें हम डाल देंगे। तो सारे पेस्ट को हम, ये जो दूध है हल्दी वाला, उसमें डाल देंगे। और इसे सिर्फ एक बॉयल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसे एक बॉयल आने दें। तो यहाँ देखिए, हमारा जो दूध है बॉयल हो गया है। हमें इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक ग्लास में छान लेंगे। तो गैस को बंद कर दें। और यहाँ पर देखिए, मैं 2 ग्लास ली हूँ, इसमें मैं छान ले रही हूँ। यहाँ पर मैं दूध को छान ली हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पियेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। मैं इसमें जागरी पाउडर डाल दे रही हूँ 1 ग्लास में। मैं यहाँ पर जागरी पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी गुड़ या हनी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारी ठंडी की मौसम वाली दूध बनकर रेडी है। आप इसे हफ्ते में 1 बार बना कर के तो ज़रूर पिए। बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है।